सीवान में एक महिला डॉक्टर ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है। मैरवा थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव स्थित एक महिला डॉक्टर सुनीता मिश्रा के मकान पर एक अन्य चिकित्सक द्वारा जबरन कब्जा कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में महिला डॉक्टर ने SP से लेकर DIG से DGP तक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला। इस मामले में डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने बताया कि मेरा एक मकान भोपतपुरा में है, उसमें किराए पर डॉक्टर अखिलेश सिंह रहते थे। अब मेरा मकान खाली नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 साल से किराया भी नहीं दे रहे हैं। इस मामले में मैंने मैरवा थाना SP DIG लेकर DGP तक को आवेदन दिया। पुलिस कहती है कि मैं मकान खाली नहीं करवा सकती, ये कोर्ट से जाकर निपटाए। वहीं कुछ दिन पूर्व जब अपने मकान पर गई तो डॉक्टर अखिलेश सिंह के लोग जो हथियार से लैस थे, उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मारपीट कर मुझे घायल भी कर दिया। इसका वीडियो फुटेज भी है। महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व उड़ीसा पुलिस डॉक्टर अखिलेश सिंह को गिरफ्तार करने आई थी। जब मुझे घर पर पुलिस की छापेमारी की सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि हथियार सप्लाई में संलिप्तता को लेकर यह छापेमारी की गई है। तब से डॉक्टर फरार चल रहे हैं। महिला चिकित्सक ने न्याय की गुहार लगाते हुए मकान खाली कराने की गुहार प्रशासन से लगाई है। मुद्दा है कि उड़ीसा पुलिस जो है आया था मेरे मकान पे, भोपतपुरा मकान पे, गिरफ्तार कर एक डॉक्टर को गिरफ्तार करने के संबंध में, डॉक्टर अखिलेश कुमार। पूरा मामला ये है कि मेरा एक मकान है भोपतपुरा में, जो किराए पर डॉक्टर अखिलेश सिंह 3 साल से किराए पर रहते हैं और मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है, मैरवा थाना में, और 2 साल से हो गया वो किराया भी नहीं दे रहे हैं और मेरा मकान भी खाली नहीं कर रहा है। वो कहते कुछ नहीं है, और जो कि 50 आदमी के बीच में एग्रीमेंट बना कर रख दिए थे हमको कि जो 1 दिसंबर 2023 को खाली करना था उस मकान को, और अभी तक वो खाली भी नहीं कर रहे हैं और किराया भी नहीं दिया है। और उसके बाद अचानक हम गए वहाँ पे और कम से कम 100 आदमी अपराधी गुंडा बवाली लाठी डंडा ले करके और हमको एक कमरे में बंद करके और उलो गाली गलौजा मेरे साथ किए, जिसका फुटेज जो है मेरे SPDM थाना पर हम दिए हुए हैं, DGP को भी दिए हुए हैं। अभी हम प्रूफ के लिए अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे मुंह बांध करके आए थे लोग लाठी डंडा सब ले करके, जिसका मेरे गाड़ी का चक्का भी काट दिए थे लोग, मेरे जान पे हमला करने के लिए आए थे लोग। वो डॉक्टर अखिलेश सिंह यहाँ खड़ा हो करके बैठ करके देखिए और एक करा रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह है, यही अखिलेश सिंह डॉक्टर है जी, ये बड़हुलिया के रहने वाले हैं, क्लिनिक चलाते हैं, मेरा मकान है बहुत पूरा गांव में। ये मकान किसका है? ये मकान मेरा है, कब से किराए पे है? 3 साल से किराए पर, एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। पुलिस को आपने मैरवा थाने को सूचना दिया है? पूरा सूचना दिए हुए हैं। नहीं, मेरा पुलिस तो बहुत अच्छा सहायता करता है, जब भी मैं कॉल करती हूँ वो जाकर तुरंत मेरे हेल्प करती है। 1 दिसंबर 2023 को एग्रीमेंट बना था खाली करने के लिए, जो कि उन्होंने खाली नहीं किया। पुलिस से आपने बोला खाली नहीं किया? पुलिस का सहयोग भी है, फिर भी आपका मकान क्यों नहीं खाली हुआ अभी तक? आखिर क्या बात है कि मकान पुलिस आपका? अब देखिए मुंह बांध करके देखिए, पुरानी घटना है। पुलिस का सहयोग है, फिर भी मकान आपका खाली क्यों नहीं हुआ? अब ये सारे गुंडे हैं सब, देख लीजिए। अब पुलिस कहती ये है कि मकान हम लोग खाली नहीं करा सकते हैं, एक कोर्ट की मामला है, तो हम केस भी किए हैं। अखिलेश सिंह क्या कहते हैं अगर आप मकान खाली? अखिलेश सिंह कहते कि हम जब भी जाते हैं गुंडा बवाली वहाँ 10 ठोला करके और लाठी डंडा लेकर के खड़ा हो जाते हैं हमको हमले पर हमला करने के लिए। मकान मेरा है या कुछ? कुछ नहीं, आज तक हमारे पास बैठा भी नहीं है, आता भी नहीं है और किराया भी नहीं देता है, जिसका सूचना हम जो है थाना पे दिए हैं, DSP को दिए हैं, SP को दिए हैं, DGP को दिए हैं, DIG को दिए हैं, विकास बर्मन जी जो है छपरा के उनको भी दिए हैं। इतना जगह आवेदन देने के बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या लगता है?
देखिए प्रशासन तो हमको बहुत अच्छा सहायता करता है, जब भी मैं रात बिरात कभी भी जो ये घटना घटती है जैसे अचानक हो। प्रशासन जब सहायता करता है तो खाली क्यों नहीं करवा रहा है जब आपका? देखिए वो कोर्ट का मामला है, कहते हैं कोर्ट का मामला है, लेकिन अभी जो है अभी तो हमको पता लगा है कि उड़ीसा से फोर्स आई वहाँ पे, हम अपने घर पे गए थे भोपतपुरा गाँव पे घर पे, तो पता लगा एक कैमरा मेरा खराब हुआ था तो गए वहाँ पे, अचानक वहाँ हम रहते नहीं हैं, हम तो किराए पे दिए हैं, तो वहाँ पता लगा, हम पूछे कि बहुत भीड़ भड़क्का लगा था तो हमको पता लगा, वो पूछे तब बोल रहे हैं कि हम तो डॉक्टर अखिलेश सिंह को गिरफ्तार करने आए हैं। हम कहे मामला क्या है भाई, मेरा मकान है आप गिरफ्तार करने आए हैं, मामला क्या है? उड़ीसा का पुलिस। पांच आदमी 5 दिसंबर को ये हथियार सप्लाई किए हैं वहाँ पे, हथियार उड़ीसा 5 सितंबर को उड़ीसा में सप्लाई किए हैं, एक अखिलेश डॉक्टर अखिलेश सिंह हथियार सप्लाई किए हैं, तो वे हथियार सप्लाई किए हैं उसी को हम गिरफ्तार करने इनको आए हैं यहाँ पे, जिसमें जो है 2 स्टाफ वहाँ से वो पूछताछ किया और थाना पर ले भी गए फोर्स, और कम से कम 4 घंटा फोर्स मेरे सामने वहां बैठी थी और पूछताछ की और पूरा हॉस्पिटल जो है जांच पड़ताल हुआ। किस चीज़ से डॉक्टर है अखिलेश? अब ये हमको नहीं पता है, वो तब श्री अम्बेश्वरी हॉस्पिटल डॉक्टर अखिलेश सिंह मैरवा भोपतपुरा। आपके मकान में है? आपके मकान में अभी उनके ये जो फोर्स थी गाँव पर भी गई थी, है ना, गाँव पर भी छापामारी की थी और कहीं नहीं पकड़ाए और फरार है। आपके मकान में 3 साल से रह रहे हैं, मेरे मकान पता भी होना चाहिए कि किस चीज के डॉक्टर हैं। जनरल डॉक्टर है लेकिन बुला करके सर्जरी भी करते हैं, जो कि सर्जरी करने के उनके अथॉरिटी नहीं है, और पता ना कौन कौन आता है। मीडिया के माध्यम से आप एसपी से क्या? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि उड़ीसा पुलिस जो है आकर के छापमारी की, मेरा मकान है, आने वाले समय में मेरे मकान पर कुछ भी हो सकता है। अभी हम पूरा तत्काल जो है हम प्रशासन से निवेदन करती करना चाहती हूं कि जो कि वो तुरंत जा करके वहां पे और जांच पड़ताल करें और उनको हॉस्पिटल पे कुछ भी हो सकता है, मेरे मकान पे और भी हथियार रखे होंगे, उसका जांच पड़ताल किया जाए और तुरंत जो है सील भी किया जाए। चाहती है कि वो मकान पे गलत काम ना हो, अरे मेरा मकान है ना, यदि कुल की जब्ती भी होता है तो मेरा पैसा लगा हुआ है तो मेरा मकान का क्षति होगा, तो ये हम चाहते हैं कि प्रशासन से मेरा निवेदन है कि तुरंत इस पर जांच पड़ताल किया जाए। शिवान एसपी से मिलकर फिर आवेदन देंगे? शिवान एसपी को ये सारा चीज जानकारी है और मेरा हेल्प भी करते हैं, रात बिरात कभी भी हम यदि कॉल करते हैं तो शिवान एसपी चाहे थाना प्रभारी चाहे डीएसपी साहब तुरंत हमारा कॉल उठाते हैं और हेल्प भी करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा मैरवा आनंद चिकित्सालय, मैं प्रशासन से यही निवेदन करती हूँ कि मेरा तुरंत जो है कार्रवाई किया जाए और तुरंत जो है वहाँ छापमारी करके मेरे मकान पे और तुरंत से तुरंत जो है, और भी हमको संदेह है कि और भी वहाँ हथियार रखा गया है, इसलिए कि आए दिन वहाँ पे जब हम सुनते हैं मेरा स्टाफ रहता है कभी हम भी जाते हैं, आपको भी डर बना रहता है क्या? हाँ हमको जो है मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर उनसे अब गैंग रखा हुआ है जो बाहर से जब इस तरीके का हथियार सप्लाई कर रहा है तो मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर हमला कभी भी कर सकता है, जान का हमला हमारे ऊपर हो सकता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है इस पर जो है उचित कार्रवाई किया जाए।